हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, बिहार में लागू हो चुका है 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम अंडर द CBCS, यानी अब बिहार में जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 सालों में कंप्लीट होगा। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आपके जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है बिहार में, यानी बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अपना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे अपना मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे अपना वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे अपना ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है बिहार में जहाँ पे लागू होना है 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम, यानी बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे लागू होगा CBCS सिस्टम इस बार से, आखिर उसमें ऑनलाइन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, इसको लेकर के बात करने वाले हैं। क्योंकि आप बहुत दिन से सुन रहे हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा इतने तारीख को, लेकिन फाइनली डेट आ चुका है कब से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी कब से अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसके बाद तिलका मांझी विश्वविद्यालय, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो अप्लाई होने का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को लेकर के एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है। और ये एकेडमिक कैलेंडर कहाँ से जारी हुआ, ये जो एकेडमिक कैलेंडर है ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप ज्वाइन हो जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको बता दें, आज ही नोटिस जारी हुआ, यानी ये जो नोटिस है ये 17 मई को जारी हुआ था, और 17 मई को ये जो नोटिस जारी हुआ था ये कहाँ से हुआ था, बिहार गवर्नर ऑफिस से, यानी कहने का मतलब राजभवन से, और राजभवन से ये नोटिस जारी हुआ। इस नोटिस में सारी बातें बताई गई है। चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि आखिर आपका एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है बिहार में 2023 में, और ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये कब तक खत्म होगा, और क्लासेस ये सब आपका चलना कब से स्टार्ट हो जाएगा, पूरी प्रोसेस को लेकर के जानते हैं वन बाय वन करके। सो लेटेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा प्रोसेस सही से समझ में आए, और साथ में अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको चूदा टाइम मिल सके। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये रहा अपना पहला जो अकेडमिक कैलेंडर है। अकेडमिक कैलेंडर कहने का मतलब कब आपका क्लास स्टार्ट होगा, कब से आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा, ये सारी बातें बताई गई है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके। तो सबसे पहली बात देखिए बताया गया है, एडमिशन प्रोसेस फर्स्ट सेमेस्टर, यानी जो एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन होगा, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑनलाइन होगा, यानी एडमिशन लेने के लिए बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बिहार के सारे यूनिवर्सिटी समझिएगा, मतलब पटना, पाटलिपुत्र, मगध, वीर कुंवर सिंह, सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्ट 20 मई 2023 से, यानी कहने का मतलब 2 दिनों के बाद 20 मई से क्या हो जाएगा, ऑनलाइन आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और हर हालत में जो एडमिशन है वो आपका खत्म हो जाएगा कब तक, 30 जून 2023 से पहले तक में, यानी हर हालत में 20 मई से यह जो प्रोसेस स्टार्ट होगा 30 जून तक जाकर के सारे एडमिशन को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस बार का जो एडमिशन है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको करना है, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, मान लेते हैं आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको पटना यूनिवर्सिटी के साइट पर अप्लाई करना है, आपको अगर पाटलिपुत्र में लेना है तो आपको पाटलिपुत्र के साइट पर अप्लाई करना है, आपको अगर मगध यूनिवर्सिटी में लेना है तो आपको मगध यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आपको अगर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में लेना है तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आपको ललित नारायण में लेना है तो ललित नारायण अप्लाई करना, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना रहे आपको उस यूनिवर्सिटी के साइट पर अप्लाई करना है। और ये अप्लाई करने का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगा, 20 मई से, और कब तक ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा एडमिशन कब तक खत्म हो जाएगा, 30 जून 2023 तक, यानी कहने का मतलब टोटल डेज को अगर काउंट करते हैं तो लगभग 40 दिनों में पूरा एडमिशन खत्म हो जाना है हर हालत में। और ये बिहार के गवर्नर का कह सकते हो, यानी चांसलर जो होते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ का, उनका अध्यादेश है, उनका ऑर्डिनेंस है, तो इसको तो पालन करना ही करना है, बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ को पालन करना है, तो ये क्या है, अध्यादेश है। अब आगे बात करते हैं, अगर मैं आगे बात करूं तो एडमिशन का प्रोसेस हर हालत में खत्म हो जाएगा कब तक, 30 जून तक, और जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं सारे जगह क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा 4 जुलाई से, याद रखिएगा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा 4 जुलाई से। और इस बार पूरा स्ट्रिक्ट मोड है, हर हालत में 75% आपको अटेंडेंस कंप्लीट करना है, यानी जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा वहाँ इस बार से क्लास चलेगा। तो हर हालत में बताया गया है कि क्लास आपको 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए, अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो फिर आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलेगा,
इसलिए हर हालत में देख लीजिएगा कि आपका 75% अटेंडेंस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ये यानी इस बार से क्या होगा, क्लास होगा। इसके बाद जो पहला आपका मिड सेमेस्टर जो एग्जाम होगा, सबसे पहला एग्जाम आपका कब होगा, 11 से लेकर के 16 सितंबर के बीच में। इसके बाद इसका जो इसके बाद जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा, क्योंकि इस बार सेमेस्टर का सिस्टम है, टोटल 8 सेमेस्टर होगा, तो जो पार्ट वन है यानी कहने का मतलब जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, उसमें हर साल में 2 सेमेस्टर होगा, पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर। तो पहला सेमेस्टर का जो एग्जाम है उसका जो एडमिट कार्ड है वो 20 नवंबर को आ जाएगा, और इसके बाद पहला नवंबर का जो अपना पहला सेमेस्टर है, ये पहला सेमेस्टर का क्लास हर हालत में 20 नवंबर से पहले ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो इसका एग्ज़ाम है वो 21 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होगा। इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 16 से लेकर के 23 दिसंबर तक होगा, और हर हालत में पहला सेमेस्टर का रिजल्ट 10 जनवरी 2024 तक हर हालत में दे देना है। यानी पहला सेमेस्टर जो आपका कंप्लीट होगा वो 10 जनवरी 2024 तक हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप चले जाइएगा दूसरे सेमेस्टर में, फिर आपका दूसरा सेमेस्टर में एडमिशन होगा, और दूसरा सेमेस्टर में एडमिशन कब से कब तक होगा, 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच, यानी 2024 के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें एडमिशन कब से होगा, 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर का जो क्लास स्टार्ट हो जाएगा 10 जनवरी से। इसके बाद इसका मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है, सेमेस्टर में वाइज जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है उसमें 2 प्रकार का एग्जाम होता है, एक होता है मिड सेमेस्टर एग्जाम और एक होता है इंड सेमेस्टर एग्जाम यानी ESE। इंड सेमेस्टर एग्जाम का मतलब फाइनल एग्जाम, और मिड सेमेस्टर एग्जाम करने का मतलब बीच वाला टेस्ट। तो मिड सेमेस्टर का एग्जाम जो होगा सेकंड सेमेस्टर के लिए वो 15 से लेकर के 25 फरवरी तक। इसके बाद हर हालत में जो सेकंड सेमेस्टर का जो आपका क्लास है वो 30 अप्रैल 2024 तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड आपका जाएगा 30 अप्रैल 2024 को। इसके बाद जो एग्जाम है वो आपका 2 मई से लेकर के 19 मई 2024 के बीच में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम 20 से लेकर के 25 मई तक हो जाएगा, और हर हालत में सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो आपका 9 जून 2024 तक खत्म हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये जो अध्यादेश आया है, इसमें पूरा बताया गया है, यानी 1 साल का पूरा लेखा जोखा बताया गया है, पूरा 1 साल का हिसाब किताब बताया गया, जिसमें कितने सेमेस्टर आएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन से लेकर के सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन रिजल्ट तक सारी बात इस कैलेंडर में बताया गया। यानी 2023 से 24 का कैलेंडर है, अगले साल फिर आएगा 2024 से 25 का कैलेंडर। तो अगले साल में हम लोग बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के बारे में, लेकिन पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर के बारे में पूरी बात मैंने आपको बता दिया है। और इसके बारे में ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपका एडमिशन है पार्ट वन में यानी पहला सेमेस्टर में, ये आपका स्टार्ट इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कब से हो जाएगा, 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, ये सारा आपका अपडेट है आपके एडमिशंस को लेकर के। तो आशा करते हैं जो एडमिशंस को लेकर के जो पूरा अपडेट है ये आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।